दोबारा मिल सकता है दुनिया का आठवां अजूबा। 1886 में ज्वालामुखी फटने से गायब हो गया था। लगभग दो सदी पहले दुनिया में आठ अजूबे हुआ करते थे। ये आठवां अजूबा न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप लेक राटमानप पर देखने को मिलता था। लेक राटमानप की झिलमिलाती सफेद और गुलाबी सिलिका की छत या परत हजारों पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेती थी। हाल ही में दो रिसर्चर्स ने ये दावा किया है कि उन्होंने वो दफन हो चुकी सफेद और गुलाबी छत की सटीक लोकेशन खोज ली है। इन रिसर्चर्स ने ये बात जर्मन ऑस्ट्रियन भूवैज्ञानिक फर्डिनेंड वॉन हार्टस्टेटर की रिसर्च के आधार पर कही है, जिन्होंने 1859 में इस इलाके का सर्वे किया था। हार्टस्टेटर को न्यूजीलैंड के भूविज्ञान का पिता कहते थे, जिसकी वजह से उन्हें सर्वे के लिए हायर किया गया था। ये सफेद और गुलाबी खूबसूरत नजारा लेक राटमानप के किनारों पर देखने को मिलता था, जहां गर्म पानी के दो झरनों से सिलिका इकट्ठा होती थी। 1830 की शुरुआत में इसे तेहाटुकपुरंगी और टेटेरेटक कहते थे। लोग यहां इकट्ठा होते थे, नहाते थे और एक बेहतरीन अनुभव को अपने साथ घर ले जाते थे। इसके बाद 10 जून 1886 को माउंट टायरोरत के फटने से करीब 40 किलोमीटर का इलाका राख में बदल गया था और करीब 120 लोगों की मौत भी हो गई थी। लोगों को मन न था कि उसके बाद सिलिका झील के नीचे चली गई थी। न्यूजीलैंड के जर्नल ऑफ द रॉयल सोसाइटी में रिसर्चर्स रेक्स बन और दर्शन ओल्डन की रिपोर्ट के अनुसार ये सिलिका झील के नीचे नहीं बल्कि झील के किनारे की सतह के 10 से 15 मीटर नीचे है। रेक्स और साशक को 2010 में उनकी नोटबुक मिली जिसमें इस सर्वे का विवरण था। जब उन्होंने उस पूरे सर्वे को देखा तो पाया कि जिस जगह माना जा रहा है कि ये छत या परत दबी होगी वो असल में उससे 35 मीटर दूर है। बन ने गुआर्डियन से बताया कि वो साइट पर रिसर्च के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ वेकतो और द वुड्स होल ओसिनोग्राफिक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने ऐलान किया था कि उन्हें इस गुलाबी सफेद परत के अवशेष मिले हैं। लेकिन पिछले साल जीएनएस साइंस न्यूजीलैंड के अनुसार 5 साल की रिसर्च के बाद ये पाया गया है कि ज्वालामुखी के फटने से ये परत पूरी तरह नष्ट हो गई थी।